एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेलकम बैक टू माय चैनल नीड्स न्यू डिलीशियस लाइफ एंड हैप्पी महाशिवरात्रि। वैसे तो हम शिवरात्रि में फास्ट करते हैं और ये फास्ट के दिन हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा सा आराम देने के लिए होते हैं, लेकिन हमारे वहाँ तो लोग इतना तला हुआ हैवी फूड खा लेते हैं कि आराम के बदले उल्टा पेट में गड़बड़ हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो आज मैं लेके आई हूँ 2 हेल्दी एंड डिलीशियस रेसिपीज फॉर फास्ट यानी कि उपवास के लिए, एंड वन ऑफ देम इज मेड बाय वन ऑफ द फेवरेट डाइट इंग्रेडिएंट ऑफ कैटरीना कैफ, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं मोरैया, इट इज कॉल्ड बार्नियार्ड मिलेट इन इंग्लिश। सबसे पहले कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा घी, आप ऑयल भी यूज कर सकते हो। और अभी इसमें मैंने स्लाइस्ड पोटैटो एंड पीनट्स ऐड किए हैं। अभी इसे अच्छे से पका लेना है और थोड़े सी हरी मिर्च ऐड करनी है, वो भी बारीक कटी हुई, और अच्छे से पकाना है। अगर ये चिपक रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा नमक अभी भी ऐड कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। और फिर इसमें ऐड करना है बारीक कटा हुआ टमाटर। ये सब कुछ 1-2 मिनट के अंतर पे ऐड करना है। और थोड़ा सा पक जाने पर इसमें हम ऐड करने वाले मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला जो आप उपवास में यूज़ करते हो। और अभी पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर अच्छे से पकाना है। मुरैया 1-2 घंटे पहले से भिगा के रख दिया था, अभी मैं वो ऐड कर रही हूँ ताकि वो जल्दी पक जाए। अभी इनफ पानी ऐड करना है और इसे मिक्स करके ढक्कन लगा के छोड़ देना है और थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना है कि ये चिपक ना जाए। अगर ज़रूरत है तो पानी ऐड करना। और मुरैया रेडी है। मुरैया इज बेनिफिशियल इन सम सीरियस डिजीज लाइक कैंसर, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड स्किन प्रॉब्लम। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा, अभी बारी है हमारे उपवास की डिश में थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर ऐड करने की। तो उसके लिए हम बनाने वाले हैं सुखी भाजी, विच इज ऑल्सो फ्रॉम कैटरीना कैफ्स फेवरेट डाइट इंग्रेडिएंट स्वीट पोटैटो से। इसके लिए भी हमने थोड़ा सा घी लिया है कढ़ाई में, आप ऑयल भी यूज कर सकते हो। और उसमें ऐड की है मैंने थोड़े मस्टर्ड सीड्स एंड जीरा भी, और अभी मैंने ऐड किए है थोड़े से तिल एंड थोड़ी सी हींग। अभी मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से सिंग दाने और इसे अच्छे से पकाना है। अभी ऐड करने हैं थोड़ी सी हरी मिर्च एंड इसे भी अच्छे से पकाना है। और मैंने ऐड किया है धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और अभी इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकाना है। और हमने जो शकरकंद थे स्वीट पोटैटो, वो पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, तो वो बॉईल्ड किए हुए स्वीट पोटैटो ऐड करने हैं और अच्छे से मिक्स करना है ताकि पूरा मसाला इस पे अच्छे से चिपक जाए। इसमें आप ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हो अगर चिपक रहा है। और लास्ट में ऐड करना है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नींबू का जूस
अभी इसे मिक्स कर देना है और आपकी स्वीट पोटैटो की सूखी भाजी रेडी है। स्वीट पोटैटो में विटामिन्स एंड मिनरल्स भरपूर होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, जिंक, पोटेशियम, जिसकी वजह से वो आपकी गट हेल्थ, आईज एंड इम्यून सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो ये थी टेस्टी एंड हेल्दी शकरकंद एंड मुरैया की रेसिपी स्पेशली फॉर उपवास। और मैंने इस डिश को कंप्लीट किया था उसमें पराली कढ़ी ऐड करके। तो ये था हमारा मील ऑफ द डे फॉर शिवरात्रि। आप भी जरूर ट्राई करना एंड स्टे ट्यून फॉर मेक योर लाइफ फिट एंड हेल्दी। तो बोलिए हर हर महादेव। तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, फॉलो माय इंस्टाग्राम आईडी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।